हाँ अदिति, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर वेक्टर होता है क्या? होता है, देखो सोचने बैठ रहा। वाह, मैं क्लास में सुने हैं ना, पढ़े क्लास में 2-3 बार रिपीट हुआ है वो, होता है कि सुनोगे तो याद रह जाता है यार। क्लास में शटर बंद करके एकदम आँख खुला रहता, बोल क्या। बहुत बहुत देर से बखे थे इसके ऊपर कि इट्स नाइदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर। क्या बोलो, क्या होता है? सिर्फ टेंसर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्यों नहीं है या स्केलर क्यों नहीं है? स्केलर क्यों नहीं है, मतलब रीजन क्यों नहीं, क्या देता हूँ स्केलर की तरह ट्रीट क्यों नहीं करता हूँ? लॉजिकली सोचो, एक रॉड है क्या, फिर डायरेक्शन, फिर देता नहीं। आप ट्रांजैक्शन चल रहा है यहाँ पे, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो हमको डायरेक्शन दो, हम तुमको गूगल प्ले देते। कुछ भी दोस्तों की बात नहीं सुनेगा, दोस्त लोग सबसे ज्यादा डुबाते हैं पता नहीं। और जो पास का दोस्त है वो तो और तो और बुरा जानता है, जान के तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं, हाँ वही बात। ठीक है छोड़ो, तो स्केलर क्यों नहीं होता? बिकॉज फॉर द सेम बॉडी, बेसिक लॉजिक से याद रखो ना। अरे थी पढ़ाई कर रखी, पढ़ाई कर रखी है, एग्जाम में है ये सब की बीत गई बात गई। एक की एग्जाम हुए से मैंने आज स्कूल ने आज बे ना। हाँ वो छोड़ो, मेन टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, पढ़ाई करो तो याद रहे। ठीक है, स्केलर क्यों नहीं, कैसे हम लोग बोलते हैं फॉर द सेम बॉडी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लोगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा, इफ यू टेक एन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस डिफरेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, इसके अबाउट डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेम सिस्टम के लिए इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्सिस डिपेंडेंट व्हिच डज नॉट होल्ड फॉर एनी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वालिटीज जैसे कि मास, एक्सिस डिपेंडेंट नहीं होता, मास मास होता है बस, खत्म बात। ठीक है, एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द सेम बॉडी, तो इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, बट स्टिल इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, एक्सिस डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग स्केलर नहीं बोलते, वेक्टर तो है ही नहीं। ठीक है, तो न्यू प्रॉपर्टी टेंसर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और क्या पढ़े थे यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड करना है यू मस्ट बी केयरफुल, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिटिव ओनली अबाउट सेम एक्सिस। अगर आपके पास दो बॉडीज है, मैं ऐसा बोल रहा था कि सपोज दो बॉडीज है, आज को लेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स अगर खत्म कर पाए, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट, तो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी इसके अबाउट निकालना पड़ेगा, इसका भी इसके अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसका इसके अबाउट और इसका खुद के अबाउट निकाल के ऐड कर दिए, नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 2-3 बॉडीज का ऐड करना है, इट मस्ट बी कैलकुलेटेड अबाउट सेम एक्सिस एंड देन ऐड करना। तो ये सब पॉइंट हाईलाइट किया गया था जब पढ़ाया था, एडिटिव प्रॉपर्टी लिखा था कि एडिटिव, इट्स एडिटिव, मोमेंट इज एडिटिव अबाउट सेम एक्सिस, ये सब चीजें हाईलाइट की थी। ठीक है, तो बस ये सब चीजें ध्यान दिमाग में रखिएगा, भूल मत जाना। और फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी, पॉइंट मास रहा तो ऑब्वियसली एम आर स्क्वायर का समेशन होता है। ठीक है, आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट द पोजीशन वेक्टर, नॉट पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेंटर मास डेफिनेशन, सेंटर मास में जो एम आर होता है वो आर पोजीशन वेक्टर होता है, जबकि यहाँ पे जो आर स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं जो नोटिस करने वाली है, तो अगर आप पढ़ के आए हो तो यूड बी एबल टू रिकॉल, नहीं तो आपको सब पहला पहला नया नया लगेगा। तो लेट्स बिगिन, उस थियोरम्स होते हैं, तो एक होता है डायरेक्टली, मैं थियोरम में जंप करता हूँ। ठीक है, ओके राइट नाउ आई वांट बी गोइंग टू द प्रूफ। ठीक है, प्रूफ फिर बाद में ले लेंगे, सरकार पड़ेगा नहीं उतना, बट देख लेंगे। देर इज अ थियोरम कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थियोरम, पैरेलल एक्सिस थियोरम। ठीक है, थियोरम में मतलब ऑब्वियसली इसको प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो मन घरंत नहीं है, बस मैं पहले थियोरम दे देता हूँ एंड देन यू लर्न टू अप्लाई, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम्स होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जॉइंट में बोलो बोर्ड्स में बोलो, सब ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है कि सर आपके पास सपोज कोई भी मनगढ़ंत बॉडी है, जनरल केस बता रहा हूं, यू हैव एनी रैंडम 3D 3 डायमेंशनल बॉडी, तुमको सपोज बोला गया
कि सर इस एक्सिस के बाद ये एक्स एक्स प्राइम है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स प्राइम, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, डिटेल्स में एलिमेंट्री मास लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, पूरा इंटीग्रेट करो फॉर द एंटायर बॉडी, करोगे। देखा जाता है कि फॉर एनी बॉडी अगर इंटीग्रेट करके निकालो, इट इज सीन दैट इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, एक एक करके लेते हैं, आईसीएम। यहां पे जब मैं आईसीएम बोल रहा हूं, इसका मीनिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। अभी थोड़ा ध्यान से समझ लो पहले, फिर कॉपी कर लो, ठीक है। सपोज इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे, लेट्स से हियर, यहां पे सेंटर ऑफ मास। आईसीएम जब बोल रहे हैं मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, सेंटर ऑफ मास एक्सिस वर्ड का मतलब है ना एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सिंपल चीज। लेकिन सेंटर ऑफ मास के थ्रू देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी एक्सिस पॉसिबल, एक्सिस लेने के लिए तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे वो नहीं करते, एज अ नेम इंप्लाइज हमको कौन सा एक्सिस लेना है, पैरेलल टू द गिवन एक्स एक्स प्राइम एक्सिस। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्स एक्स प्राइम के अक्रॉस पूछा है, आप बोलोगे सर उसको रहने दो, पहले सेंटर ऑफ मास एक्सिस खोजो। सेंटर ऑफ मास के थ्रू मेनी एक्सिस आर पॉसिबल, लेकिन तुम कौन सा एक्सिस लोगे व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन एक्स एक्स प्राइम एक्सिस। इसको मैं सीएम एक्सिस बोलता हूं, मोर एप्रोप्रिएटली दिस इज द सीएम एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्स प्राइम, ठीक है। तो बोलता है कि सर ये जो इमेजिनरी एक्सिस आई, ये सेंटर मास एक्सिस, इसके अबाउट तुम आईसीएम निकालो, इसके अबाउट अगर तुम इंटीग्रेट करके निकालोगे लेट से, ठीक है, मेहनत करके निकालोगे, ठीक है, आर क्या आर आर प्राइम स्क्वायर लिख दो, ठीक है। दोनों में डिफरेंट आर क्यों यूज किए, तो सिंपल बात है, एक एलिमेंट यहां पे लेते हो तो उसका इससे डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस डिफरेंट ही होगा ना दोनों से, ठीक है। तो जो भी इंटीग्रेट करके निकाले, अब देखा क्या याद है, देखा ये याद है कि दीज जो वैल्यूज अगर तुम कैलकुलेट करके निकाले, दिस कैन बी रिलेटेड लाइक दिस, आई एक्स एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस बॉडी का जो भी टोटल मास था एम इंटू डी स्क्वायर। ये डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, जो गिवन एक्सिस है, गिवन मतलब मैं जब भी बार बार बोला आई मीन एक्स एक्स प्राइम, जिसके बाद आपको अल्टीमेटली निकालना है, और इस सेंटर मास वाला तुम खुद से चूज करो है कैसा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो गैप, वो अगर डी है तो एक्सएस प्राइम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। ये जो रिलेशन है दैट इज आवर थ्योरम, ये थ्योरम का रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, अप्लाई करना, ठीक है। इसको अगर तुम स्मार्टली अप्लाई किए तो आप लाइक प्रॉब्लम कर सकते हो बहुत सारे, ठीक है। ये इससे पता क्या चलता, बता तो इससे ये चीज पता चलता है कि एक्चुअली फॉर एनी बॉडी, रिंग, डिस्क, स्फीयर, रॉड, किसी बॉडी के लिए एक्चुअली आईसीएम का वैल्यू याद रखो, आईसीएम के अबाउट एक्चुअली निकालो, ये फंडामेंटल है, आईसीएम इज फंडामेंटल, एंड उसके साथ एमडी स्क्वायर ऐड करके तुम बाकी किसी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं इसमें एक्सिस प्राइम ना देके तो मैं तुमको यहां पे एक एक्सिस देता दूर में कहीं पे, तो अगेन आईसीएम अगर पता तो तुमको बस क्या करना, एमडी स्क्वायर अकॉर्डिंगली ऐड करना हर जगह, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि आईसीएम एक्चुअली फंडामेंटल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जान के रखो, याद रखो, एंड उसके टर्म्स में बाकी लोग को निकाल लो, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, तब क्लियर हो पाएगा, फॉलो करो। लेकिन दोनों ही अपर इंटीग्रेशन से निकल सकते हैं, ऐसा नहीं, गिवन दैट इंटीग्रेशन कर। अब हमने प्रॉब्लम में ये क्लास में ले लिया था एक रॉड के लिए अबाउट दिस मास एम लेंथ एल का रॉड है, एक्स एक्स प्राइम एकदम एज पर, तो इसके बाद हमने इंटीग्रेशन करके निकाला था, आंसर आया था एम एल स्क्वायर बाई थ्री, या चेक कर ये हमने कैलकुलेट किया था, ये था एक्स एक्स प्राइम के अबाउट, हमने वो इंटीग्रेट करके निकाला था, उस दिन हमको ये थ्योरम नहीं पता था। तो आज अगर तुम सब सेंटर मास के अबाउट इंटीग्रेट करके निकालते हो एंड यू ट्राई टू वेरीफाई, ठीक वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज किसी ने तुमको ये दिया, नहीं क्वेश्चन दिया कि सर लेट्स से आई एक्स प्राइम इज नोन एंड यहां से तुम आईसीएम कैलकुलेट करो विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। आईसीएम कैलकुलेट करने का ये भी तरीका है, मैंने यू कैन इंटीग्रेट इन स्टफ, लेकिन बोलते कि सर लेट्स से दिस इज नोन यूजिंग दिस फाइंड आईसीएम, यहाँ पे आईसीएम बोलने का मतलब क्या होगा, सेंटर मास यहाँ पे होगा, सेंटर मास तो कहाँ पे होता है, रॉड के लिए मिड पॉइंट पे एल बाई टू, ठीक है, एल बाई टू डिस्टेंस पे, वहां पे एक एक्सिस इमेजिन करो विच इज पैरेलल टू एक्सिस प्राइम, ये मेरा सेंटर मास एक्सिस सीएम एक्सिस। तो आईसीएम क्या होगा, यू कैन यूज दिस थ्योरम, मतलब मैं बस इस थ्योरम का एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ, तो तुमको ऑलरेडी ये पता चल चुका है, लेट्स से बाई इंटीग्रेशन तुम बोलोगे सर इट इज इक्वल्स टू आईसीएम प्लस टोटल मास डी होगा इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, एल बाई टू का होल स्क्वायर,
तो ये md स्क्वायर, यहां से कैलकुलेट करके आप आईसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। हां तो आईसीएम कैलकुलेट करो, देखना आएगा आपका ml स्क्वायर बाय 12 है, ये ml स्क्वायर भी 4 है, ml स्क्वायर भी 3, उसको उधर ले जाओगे सबट्रैक्ट करो आ जाएगा ये। अब अगर तुम इंटीग्रेट करके भी करते सेम आंसर आता, ठीक है। मैं बस यहां पे एप्लीकेशन दिखाया कि इस थ्योरम को कैसे यूज कर सकते हो। लेट्स से ixx प्राइम इज नोन, आईसीएम निकालना है, ठीक है। सिली प्रॉब्लम, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। इसका डेरिवेशन एक्चुअली बहुत वियर्ड होता है, इसका डेरिवेशन टफ होता है, लेकिन ये एप्लीकेशन इजी है, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। ओके तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना एक्चुअली इजी है, इट्स अ नाइस आइडिया अबाउट दिस, बोल देते। अच्छा चलो इतना क्लियर है ना, इजी स्टेप, नथिंग फैंसी। देखो मैं ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे थ्योरम को याद रखो, बट बेटा सबका लिखना हुआ। ओके यहाँ पे एक चीज बस बताने वाला था, मतलब ये इस तरह से इट्स नॉट नेसेसरी बट यू नोटिस द ट्रेंड, आपको एक ट्रेंड पता चलेगा तो आप खुद उस तरह से याद रखोगे भी। ये जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, इट सिमिलर टू, मतलब लाइक पैटर्न, द पैटर्न इज सिमिलर टू व्हाट एवर वी लर्नड इन चीजल्स थ्योरम। वो चीजल्स थ्योरम था ना कि एनी काइंड ऑफ मोशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन वहां पर क्या था, ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट, रोटेशन अबाउट सेम पॉइंट, ऐसा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एनी जनरल प्लेन मोशन, ये लिखना नहीं बस समझो, एनी जनरल प्लेन मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये तो इनफैक्ट हम लोग करेंगे भी, अभी जब नॉर्मल प्रॉब्लम्स हम करेंगे, अभी टॉर्क वाले प्रॉब्लम्स और बाकी है, तो मोशन में प्रॉब्लम्स हम लेंगे तो दिस विल बी अ कॉमन ट्रेंड। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलने का मतलब पूरे मास को फिक्स कर दो, मैंने एकदम कंडेंस कर दो एट द सेंटर ऑफ मास लोकेशन, और उस पर अप्लाई करो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू MSCM, वो हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब उसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर। एंड ट्रांसलेट रोटेशन अबाउट सेंटर मास मतलब क्या, सेंटर मास एक्सिस ले लिए और पूरे बॉडी को प्योर रोटेशन करवा, वहां पे तुम्हारा आई अल्फा आई ओमेगा वो सब फॉर्मूलाज होंगे, प्योर रोटेशन प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी सिमिलर तरह का है, जब मैं ICM लिख रहा हूं इसका मतलब अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब मैं MD स्क्वायर लिख रहा हूं इसका मतलब जो ओरिजिनल एक्सिस है, लेट्स से ये वाला, ये मेरा ओरिजिनल एक्सिस है XX प्राइम, ठीक है। जब मैं ICM लिख रहा हूं इसका मतलब सेंटर मास एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहा हूं। MD स्क्वायर बोलने का मतलब क्या, आप पूरे बॉडी को यहां पे रिप्लेस करके ये d डिस्टेंस देख रहे हो, सॉर्ट ऑफ। इन अदर वर्ड्स वो जो XX प्राइम वाला एक्सिस है आप पूरे बॉडी को रिप्लेस कर दो एक पॉइंट मास से, अरे पॉइंट मास से अगर रिप्लेस कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर। m है m मतलब कैपिटल m, और r में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कौन सा है, d, ठीक है। तो आप बेसिकली इस बॉडी को रिप्लेस किया एट इट्स सेंटर मास लोकेशन, ठीक है, तो वहां से d डिस्टेंस आ ही जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज है कि दीस टू टर्म्स कैन बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस, md स्क्वायर इज एक्चुअली रिप्लेसिंग द बॉडी बाय अ पॉइंट मास केप्ट एट इट्स सेंटर मास लोकेशन। यहां पे अगर इस बॉडी को रिप्लेस कर दो उसके सेंटर मास लोकेशन पार्टिकल से तो डिस्टेंस क्या होता है, डी ही तो होता है, तो md स्क्वायर वाला टर्म उससे आ रहा है पॉइंट मास से रिप्लेस करने के चक्कर में। एंड ICM वाला है अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, जब ICM देख रहा हो तब तुम ये एक्सिस प्राइम नहीं देख रहा हो उस समय, तो ये हो गया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये ट्रेंड बहुत कॉमन है, मतलब ये हम लोग अभी जो फॉर्मूले और भी बहुत सारे देखने वाले हैं उसमें हर जगह इस तरह से दिया रहेगा फॉर्मूला, एक होगा ऑफ सेंटर ऑफ मास एक होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर मास एक्सिस के अबाउट देख रहे हो, ऑफ सेंटर मास मतलब तुम बॉडी को रिप्लेस कर दो बाय पॉइंट मास, ठीक है, एंड देन ओरिजिनल एक्सिस के ऑर्डर देख लो, ठीक है। तो मैंने ये बस ऐसे ही बोलना था, मैं इस तरह से फॉर्मूला को याद रख सकते हो, ठीक है। क्या क्या नहीं, एक्चुअली जब तुम एंटायरिटी ऑफ रोटेशन पढ़ लोगे ना, अभी हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, ये सब नहीं किया, ये जैसे ही करेंगे देखिए हर जगह यही पैटर्न रिपीट होगा, इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया ये चीज, ठीक है। यू कुड थिंक लाइक दिस, हमको एक्चुअली निकालना है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस पे ये मेन काम है,
बट दिस इज सेम एज आर ये सेंटर मास इनर्स यहां पे. तो फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्चुअल बॉडी अबाउट एक्स एक्स प्राइम इज सेम एज अब बॉडी को ओरिजिन एक्सिस को भूल करके भूल जाओ सेंटर मास एक्सिस के अबाउट निकालो प्लस बॉडी को रिप्लेस कर दो पॉइंट मास से एक्स एक्स प्राइम के अबाउट निकालो और दोनों को ऐड करो. इट्स सेम एज पॉइंट मास से रिप्लेस करके मतलब तो हो जाता है ट्रांसलेशन एंड सेंटर मास एक्सिस के अबाउट देखने का मतलब हो जाता है रोटेशन. तो पहले जैसे चेजल्स थ्योरम में आप करते हो तोड़ तोड़ के सेम पैटर्न. अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा मुझे इसलिए लगा था कि बोलना चाहिए कि नहीं अगर किसी को ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा तो वेट फॉर इट. एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला टॉर्क एनर्जी ये सब जब देखेंगे तो घूम फिर के ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा. तो वंस यू प्रैक्टिस इनफ प्रॉब्लम्स द थ्योरी पूरा कवर हो जाने के बाद आपको लगेगा कि सर ये फॉर्मेट याद रखना इजियर है. ठीक तो बस ऐसे ही जस्ट फॉर फन इसमें कुछ थ्योरी नहीं है बस ऐसे सोचने के लिए. ठीक तो समझ में आया तो अच्छी बात है नहीं समझ में आया तो पूछ सकते बाकी लोग को भी पूछ रहा हूँ मैं एक्चुअली. ठीक तो किसी को पूछने वाले को तो पूछ सकते हो. हाँ अगर ऐसे याद रखने में दिक्कत है तो छोड़ो कोई बात नहीं फॉर्मूला ऐसे ही याद रखो लेटर यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट आप खुद ही वैसे ही याद रखोगे आपको. ठीक है तो नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बिफोर वी प्रोसीड विद द थ्योरम मेन चीज है दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल नॉट इन ऑल केसेस इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर लैमिना. लैमिना मतलब 2D बॉडीज प्लेट्स. ठीक है ओके प्लेट कैसा भी हो सर्कुलर हो कैसा भी हो टेरा मेरा से को लेकिन प्लेट होना चाहिए लैमिना होना चाहिए. ओनली फॉर 2D बॉडीज ये थ्योरम एप्लीकेबल है. आप एक स्फीयर के लिए 3D बॉडी के ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है तो थ्योरम होता क्या है लोग बोलते हैं सर लेट्स से ये आपका लैमिना है मनगढ़ंत शेप है इसका भावनाओं को समझो I'm trying to show its thickness, but thickness negligible. वो matter नहीं करता, ठीक है? हल्का सा thickness. It's a thin disc, basically. अब follow करके बोलते हैं, construct a three-dimensional coordinate system. Construct करो. तो x, y, z axis लाएँ. तो बोलते हैं तरीका क्या होता है? X axis इसी के plane में लो. Take it in the plane of the lamina. Y axis भी इसी के plane में लो. X and y mutually perpendicular होंगे, ठीक है? तो लेट्स से ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है ठीक है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. अच्छा जहां पे ये कट कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट वो कहीं भी हो सकता है. मेन चीज है द x एक्सिस एंड y एक्सिस ठीक है एक्सिस आर इन प्लेन ऑफ लैमिना. इन प्लेन ऑफ लैमिना ये दोनों एक्सिस ऐसे चूज करना कि उस लैमिना के प्लेन में ही हो. समझ रहे हो आप मतलब We can have a scenario like this also. देख लो, ये suppose lamina है, आपका x and y axis यहाँ पे कहीं पे. मतलब everybody is in the same plane basically. ऐसा जरूरी नहीं है कि x and y axis का जो origin है वो body में ही कहीं पे होगा, नहीं, not necessary. कहीं भी हो सकता है यार. उस plane में होना चाहिए बस. बात समझ रहे हो? ठीक. Clear. And last बोलते हैं obviously there is a z axis, z axis, z axis आपका ये x y z i j k. Z axis, three dimension, Z axis. तो लोग बोलते हैं कि पहले आप तीन एक्सिस कंस्ट्रक्ट कर लो कोऑर्डिनेट सिस्टम का x y z axis. रेस्ट्रिक्शन क्या है x and y must be in the plane of the lamina, then automatically z axis will be perpendicular to the plane. ये दोनों plane of lamina में तो z axis automatically perpendicular होगा, perpendicular to the lamina. तो यहाँ पे derive ये होता है कि moment of inertia about the z axis या z axis. is equals to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis. ठीक है. Moment of inertia about x plus y करोगे तो आपको iz मिलेगा. ठीक है. Now what does it mean? समझो इस बात को. जब मैं ix बोल रहा हूँ, I mean कि y and z को भूल जाओ, सिर्फ इस axis के बाद इस body का moment of inertia निकालो. मतलब let's say top view अगर देखते हैं, suppose ये body है, x axis के बाद चुपचाप moment of inertia निकालो. फिर उसी बॉडी का हाँ उसी बॉडी का वाई एक्सिस को सेपरेटली निकाल. ठीक है बाय ओके. इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको किसके अबाउट मिलेगा अबाउट द जेड एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू आवर स्क्रीन. इन दिस केस अपने लैमिना के जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा पासिंग थ्रू द लाइक ओरिजिन जेड एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिल जाए. ठीक है नाउ
एक चीज नोटिस करना, ये अलग से इसलिए थ्योरम है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर रहा। एडिटिव प्रॉपर्टी में लास्ट क्लास क्या बोले थे, लास्ट क्लास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडेड अबाउट सेम एक्सिस। यहां पे हम लोग दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर रहे हैं, ये एक एक्स एक्सिस डिफरेंट एक्सिस के बोले, ये डिफरेंट एक्सिस। कोई ये देख के मत पूछ सोचना कि सर ये एडिटिव प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, क्लियर? वायलेट कुछ नहीं हो रहा, ये अलग से थ्योरम है, बस एक रिलेशन होल्ड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दो एक्सिस है उसका वोट निकाल के ऐड कर दो मजा आ जाएगा, नहीं। ओके ऐसा ही, इसलिए यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि लैमिने के लिए होता है, थ्री डी बॉडी के लिए आई एक्स प्लस आई वाई करोगे आपको जो भी मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ऐड करके कुछ तो मिलेगा, बट दैट डोंट बी एनी फिजिकल थिंग, उसका कोई फिजिकल कोई आउटपुट नहीं होगा, दैट डोंट बी एनीथिंग प्रैक्टिकल, बस ऐड किए तो ऐड किए, ठीक है ऐड किए बस, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी को वायलेट करता है या ये हर जगह कर सकता, नहीं, ये बस एक थ्योरम जो डिराइव होता है स्पेशल केस कि दो डिफरेंट एक्सिस के बोर्ड ऐड करके आपको जेड एक्सिस के बोर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सकता है, ठीक है? तो इसका भी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है? तो दोनों थ्योरम्स इतने सिंपल है, इफ यू टॉक अबाउट द थ्योरम्स, थ्योरम्स आर वेरी सिंपल, ठीक है? अब मेन है एप्लीकेशन, तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, विदाउट एग्जाम्पल समझोगे नहीं, ठीक है? तो चलो कौन से एग्जाम्पल से शुरू करें, स्टार्ट विद द वेरी कॉमन एग्जाम्पल डिस्क, डिस्क वाले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सर्किट सॉल्व करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन पोटेंशियल पोटेंशियल ये सबको लेकर क्वेश्चन दिया, अरे सर बुढ़ा बोले ने सीरीज पैरेलल करने वाला मजा आता है, ठीक है? वही चीज यहाँ पे भी मैंने देखा, पूरा रोटेशन नहीं पढ़ेंगे लेकिन ये टॉपिक पढ़ेंगे सर, ठीक? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हंसते ही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि इसको प्रॉब्लम हम जाते हैं लेकिन बाकी पर ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके तो यही बात, 12th में भी मैं देखता हूँ कटचॉप ये सब आता है, पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, करंट हिस्ट्री कट सब कुछ नहीं, खर्चा बोल के एक टॉपिक आता है, इट्स रिलेटेड टू सर्किट थ्योरी, मैंने सीरीज पैरेलल नहीं है, तो वही टॉपिक तो 12th में सबाई पढ़ो, किंतु बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के हाथ दे मैं दे, तो बाकी जो बाकी वाले स्टूडेंट है वो भी उस टॉपिक पढ़ लेगा सीरीज पैरेलल, तो इजी है ना, मजा आता है सॉल्व करने में, ठीक है? फिर ये टॉपिक अलग मजा आता है सबको, सब लोग किधर इजीली सिंपलीफाई हो जा रहा है, क्या नहीं मना नहीं कर रहा लेकिन बाकी टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़े, हो गया कॉपी ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। ओके ठीक, तो स्टार्ट विद द मोस्ट लाइक कॉमन एग्जांपल्स एंड देन बिल्ड ऑन टू समथिंग टिपिकल, लास्ट में प्रॉब्लम है जहाँ पे थ्योरम्स भी अप्लाई करना पड़ेगा एंड इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, कांट हेल्प इट, एक दिखाना जरूरी है, ठीक है उस तरह का। तो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क। अच्छा बिफोर वी बिगिन, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, यू वॉन्ट एक्सपेक्ट कि आप लाइक वो हर बार डिराइव करोगे, जैसे कि रॉड के लिए सेंट्रल मास एक्सिस के बोर्ड, ठीक है? आईसीएम रॉड के लिए होता है, अभी डिराइव किए थे एमएल स्क्वायर बाई, ये रेडीमेड याद रखिए। डिस्क के लिए डिस्क ना, डिस्क आईसीएम, ये भी डिस्क का सेंटर मास उसको ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, तो मास एम रेडियस आर ये भी डिराइव हुआ था, हम लोग एलिमेंट्री रिंग्स किए थे एमआर स्क्वायर बाई टू, रिंग रहता है वही, समझ रहे हो? सबका एक्सिस वही है, सेंटर मास के थ्रू पास कर रहे हैं, इसका आता है एमआर स्क्वायर, इसलिए मैंने लिख दिया। ये चलो ठीक, ओके। एंड ये सब जो डेरिवेशन लिए थे, जो डेरिवेशन नहीं लिए थे वो था स्फीयर, ठीक है? स्फीयर का डेरिवेशन ज्यादा देखने का मन किया तो बुक्स में देखना, ठीक है? नहीं सर मैं तो बोलना हम दिखा देंगे, लेकिन मैंने इट्स मैंने लंबा छोड़ा डेरिवेशन जी क्लास में, लेकिन लेकिन ऐसे लगता नहीं, ठीक है? एक अगर होलोस्फीयर लेते, होलोस्फीयर या इसको बोलते हैं शेल, शेल मतलब ही होलो, थिन शेल, इसका सेंटर मास सेंटर पे होगा, अगर एक एक्सिस इमेजिन करते हो, मैंने ये डायमीटर एक्सिस हो गया बेसिकली, any diameter axis will be center mass axis,
एक स्फीयर के लिए कोई भी डायमीटर ले लो, सेंटर मास से पास करेगा, जिसका आईसीएम आता 2/3 एमआर स्क्वायर। सिलेंडर का डिस्क के दिन मैंने डिस्कस कर दिया था, बोल दिया था डिस्क और सिलेंडर का सेम होगा अबाउट द एक्सिस। एक सिलेंडर रहा और उसके एक्सिस ये लेते हो तो इसके बाद भी एमआर स्क्वायर बाई 2 ही आता है, डिस्क के दिन मैंने बता दिया था उस दिन। तो हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एमआर स्क्वायर। वही अगर एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड बोलने का मतलब होता है दोनों ही सॉलिड है, ये भी सही है, लिक्विड नहीं है, दोनों ही सॉलिड है, लेकिन जब बुक में लिखा रहा है तो सॉलिड स्फीयर दे मीन देयर इज नो हॉलो रीजन विद इन, अंदर कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, कैविटी मतलब पता है ना स्टूडेंट, एम्प्टी रीजन नहीं है। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, वही मास एम रेडियस आर, तो इसका आईसीएम आता है 2/5 एमआर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी मास एम अगर रेडियस आर, तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से नोटिस करने हो कर सकते हो नहीं वैल्यूज, तो इतना वैल्यू आपको रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक कॉमन है, मैं सोच रहा हूँ दिखा दे देता हूँ, दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बुक में आपको पूरा लिस्ट मिलेगा। ठीक है, इससे एक्सटेंसिव लिस्ट बहुत सारे बुक्स में दिया रहता है, सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सब वही रिपीट कर रहा हूँ जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व के थ्रू लेंगे। सपोज यू हैव ए रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, सेंट्रल मास एक्सिस, ठीक है, साइड लेंथ एल, साइड लेंथ बी, मास एम, सेंट्रल मास एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लैमिना। ठीक है, इसमें आईसीएम होता है एम बाय 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्चुअली डिराइव भी कर सकता हूं, ये डी इजी है, उसके पहले भी और एक दो देख के वो हो जाए इजी है। तो इतना मैं बोलूंगा रेडीमेड याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जहां पे आपको रेडीमेड ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना जान के रखो है ना, दैट इज कुछ जान के रखना पड़ेगा एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब जो मैं एप्लीकेशंस लूंगा थ्योरम्स के, उसमें आपको ये सब जान के फिर अप्लाई करना। तो लेते हैं एक एक करके, ठीक है ना, लिख लो जो लिखना है। तो जो मैं बोल रहा था डिस्क पर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, एक बार थोड़ा सा हो जाएगा तो बोलना। सो तो भी पढ़े उसको अप्लाई करेंगे। ओह माय गॉडनेस, कुछ अच्छा लगा तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, ऐसा है ना, मतलब पूरा मूड डाउन कर देता है। लगाता नहीं है, ही प्रैक्टिसेस, अंकल है ही, मैंने वो प्रोफेशनली, हाँ सैक्सोफोन, तो ही प्रोफेशनली प्रैक्टिसेस, वो बहुत जगह परफॉर्म करते हैं, तो घर में अभी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन वही बता रहे गाने के ऊपर डिपेंड करते हैं, मैंने अगर एक मेलंकरी गाना चला दो तो जिंदगी कुछ है ही नहीं, खत्म ही सब, ठीक है। अरे मेलंकरी, वो गाना नहीं, वो ट्यून है बस। अरे छोड़ना तौर को कोड़ी पाथी इग्नोर मेरे दिल। हाँ, मास ऑफ रेडियस आर, क्वेश्चन क्या क्या पूछा है सुनो। पहला क्वेश्चन, डायमीटर एक्सिस के बोर्ड निकालना है, ये डिस्क है, हाँ स्फीयर डिस्क है, डायमीटर एक्सिस के बोर्ड, इसको एक्स एक्स प्राइम बोर्ड था, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास बट लाइंग इन द प्लेन। हमने जो फॉर्मूला याद रखा वो किसके लिए याद रखा है, परपेंडिकुलर के लिए, ऐसा सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं लेकिन इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके लिए फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई 2 जो लास्ट साइड में लिखे, यहाँ पे क्या, इट्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास बट इट इज इन द प्लेन। थ्री डी में देखो तो मतलब ये अगर डिस्क है आपका, एक्सिस ऐसा है नॉट परपेंडिकुलर, तो इसके अबाउट पहले निकाल लो। ठीक है, आई एक्सिस प्राइम ये कैलकुलेट कर, फिर
सपोज कोई तुमको बोला कि सर ये और एक एक्सिस, समझ रहे हो कैसा, इसको क्या नाम दे, इसको पी पी प्राइम बोलते हैं, आई पी पी प्राइम निकाल, ठीक है, दिस एक्सिस ये बेसिकली टैंजेंट है, ठीक है, टैंजेंट ऑफ डिस्क, दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करो, मास एंड रेडियस बढ़ दिया, ठीक है, तो जो लोग अभी जो लोग किए हो प्रैक्टिस किए हो स्कूल में पता है, प्रोसीड करो, बाकी लोग जो लोग पहली बार देख रहे हो लाइक फॉलो करो, बताते रहते कॉपी करते रहना। पहला वाला पार्ट निकालने के लिए हमें बोलते सर अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, ये अप्लाई करते हैं कैसे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे एक नया लॉजिक आता है, सिमेट्रिक लॉजिक, तो वहां से मैं बोल रहा हूँ पता करो नहीं तो सुन लो, ठीक है, लॉजिक ये रहा, लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस लेना इन द प्लेन 3D में ड्रॉ करता हूं, ये जो एक्सिस है एक्सिस प्राइम वही एक्सिस यहां पे ड्रॉ करो, तो साइड से देख रहा हूं साइड व्यू, ये तुम्हारा तो एक्सिस प्राइम वाला एक्सिस, वाई वाई प्राइम वाला एक्सिस लेट से ये वाला है, देयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेट से ये एक्सिस दोनों एक्सिस डायमीटर एक्सिस, दोनों ही डायमीटर एक्सिस, डायमीटर एक्सिस मतलब टॉप व्यू देखूंगा तो एक्स एक्स प्राइम ये है तो एक वाई वाई प्राइम ये, बात समझ रहे हो, इस डायग्राम में दोनों ही डायमीटर एक्सिस है, मतलब दोनों ज्योमेट्रिक सेंटर से पास करें, दोनों सेंटर मास से, तो जी एक्सिस कौन सा होगा, जी एक्सिस होगा आपका ई वाला जेड एक्सिस, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर ये डिस्क है मतलब इट्स अ लैमिना, एक्स एंड वाई एक्सिस इसी के प्लेन में है, जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो मैं लगाता हूं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, अब तुम बोलोगे सर आई जेड तो हमको पता है, आई जेड ही तो आईसीएम है ना जो हम लोग लास्ट स्लाइड में देख के ये याद रखे हैं, ये वही एक्सिस है ना, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क, तो यही तो मेरा आई जेड है इस केस में, तो मतलब फॉर्मूला पता है हमको डायरेक्टली, तो इसलिए हम लोग कुछ तो याद रखना पड़ेगा, मॉड स्क्वायर बाई टू खत्म, आई एक्स एन आई भाई, अब इन दोनों का क्या, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं, तो ये पहला पार्ट हम लोग किया, अब मैं एडिशन में बोलता हूं ना, अब हम बोलते हैं ये लॉजिक आई एक्स एंड आई वाई का वैल्यू सेम होगा फॉर दिस प्रॉब्लम, दोनों वैल्यू सेम होंगे, रीजन रीजन ये रहता है, मैं पहले समझाता हूं फिर मैं एक लाइन में लिख दूंगा, रीजन ये देते हैं सुनो, बहुत ऑथर से ऐसे समझाते हैं, सर ठीक है सपोज एटा मुझे ड्रॉ कर दो, मुझे कलर लेके ड्रॉ करने दो, बता पाऊ ये एक्स एक्सिस ये तुम्हारा y एक्सिस, ठीक x एंड y ऊपर से देख रहे हो, लोग बोलते कि सर अगर इसको इस डिस्क को 90 डिग्री रोटेट कर दो, सर 90 डिग्री रोटेट कर दोगे अगर, इफ यू रोटेट इट बाय 90 डिग्रीज y एक्सिस तो x हट जाएगा चला उसमें राइट, एंड x एक्सिस y की जगह पे चला जाएगा, लेकिन डिस्क को पता चलेगा या तुम मैं तो कलर डिफरेंट कलर में क्यों, सपोज मैंने तुमको ऐसे बोला कि तुम चाचा इसको देखो चुपचाप अच्छे से देखो, तुम बोला हाँ यू फोकस करके देखो, फिर मैंने बोला तुम पलक झपका, तुमने पलक झपका या तुम्हें आप में आंखें बंद की, द मोमेंट यू क्लोज योर आईज मैंने सपोज इसको 90 डिग्री घुमा दिया, व्हेन यू ओपन योर आईज कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू सेटअप्स, नहीं, दीज टू सेटअप्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, बहुत बड़ा वर्ड है इनडिस्टिंग्विशेबल, cannot be distinguished, ठीक है, physics में ऐसे systems, ऐसे scenarios जो आप distinguish नहीं कर पाते हो, उनको हम symmetric situation बोलते हैं, बचपन में आपने symmetry पढ़ा होगा maths में, left right symmetry, mirror symmetry, physics में symmetry वाला concept बस अभी नहीं, अभी तो हल्का फुल्का use होता है, कौन last दिन Gauss का बोल रहा था, ठीक बोलिए ना, Gauss का बोल के एक topic पढ़ेंगे 12 में, ठीक है, class 12 में symmetry इतना important है ना मैं बता नहीं सकता, सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग बहुत लॉजिक देते हैं, मतलब आप बिना कैलकुलेशन के आप आंसर लॉजिकली बता सकते हो क्या होगा, ठीक है, सिमेट्री जितना सिंपल बचपन में सुनते थे फिजिक्स में उतना ही गजब का एप्लीकेशन होता है, तो वहां से स्टार्ट टेकिंग अप प्रॉब्लम्स आप समझोगे कि सिमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स में सबसे पहले आज ये बताता हूं सिमेट्री बोलने का मतलब क्या होता है, कहीं भी मैं लिखा कि द सिस्टम इज सिमेट्रिक या द सिचुएशन इज सिमेट्रिक, इसका मतलब है आप दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा,
नॉर्मल सिमेट्री बोलेंगे मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड मतलब वही होता है ना, दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है ठीक है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल बोलने का मतलब है, इसका इंप्लीकेशन ये है कि डिस्क इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो डिस्क सिमेट्रिक माने सेम भावे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तरह दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सेम होवे करे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर राइट इसलिए सेम हो। सो देयरफॉर मेरा प्रॉब्लम कितना इजी हो गया 2ix यही मेरा xx प्राइम है गोस टू mr स्क्वायर बाय 2 सो देयरफॉर ixx प्राइम या ix सिंपली बोल सकते हो वो कितना हो गया mr स्क्वायर बाय 4 ठीक है। पहली बार इतना डिटेल शुरू करते हैं इसके हम इसको जल्दी जल्दी यूज करेंगे। तो एक्चुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जनरली ना आका यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ऑलवेज यूज इन कंजंक्शन विद सिमेट्री। जनरली सिमेट्री वाला आइडिया दोनों को मिला के प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सिमेट्री समझ में आया? ऑनलाइन में किसी को डाउट है पूछ लो, जो जो दिख क्लियर बढ़िया प्रिटी क्लियर है प्रीति नहीं तुम्हारा आदित्य क्या नाम मेरा कंफ्यूजन होता है आदित्य क्लियर है ना तो अच्छे से क्लियर करो क्योंकि नेक्स्ट आप पूछेंगे ठीक है। मैंने आई लास्ट टू अप्लाई इट इन डिफरेंस सेटअप ये हो गया तो जकास तो आई एक्स एक्स प्राइम आई वाई वाई प्राइम दोनों ही एमआर स्क्वायर बाय 4 आएंगे कितना कॉपी कर रहे हैं लास्ट वाला करो करो। अच्छा अदिति तुमको पूछते हैं बताओ सिमेट्रिकल आईडी क्लियर इनडिस्टिंग्विशेबल पक्का ये एक एक्सिस और उससे लेट्स से 30 डिग्री पे एक एक्सिस ये दोनों एक्सिस के अबाउट सेम बोल सकता हूं कि नहीं एक्स एंड वाई से भी सेम बोल लो एटर वो जो डेटा आई एक्स एटर लेट्स से आई पी दोनों सेम हो क्या होगा এখানে কি সিমেট্রি বলতে পারবো হ্যাঁ দুটোই ডিস্ক আমি একবার এই অ্যাক্সিসটা নিচ্ছি ভার্টিক্যালটা এমনি আর একবার অ্যাক্সিস একটু টিল্টেড আছে মানে ওই প্লেনেই আছে টিল্টেড যেমন এখানে 90 ডিগ্রিতে ছিল তো আমি এখানে বলছি আমি থিটা অ্যাঙ্গেলে নিচ্ছি তো দোনো মে ক্যা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেম হোগা ইস বার ক্যা হোগা কি ইস বার নেই হোগা কিউ নেই হোগা তো আগার মে ইয়াহা পে জো লজিক দিয়া ও সেম লজিক খুদ কো লাগা খুদ কো পুছো ইয়ে বাত তুম ইয়ে দেখ রহে হো मैंने तुम्हारी आंखें बंद की इसको 30 डिग्री घुमा दिया तुमको डिफरेंस पता चलेगा तब पता चलेगा पक्का पहले से लेट से और एक एक्सिस था यहाँ पे ऐसा था 30 डिग्री तो उसको घुमा दोगे ये चला जाएगा पी के जगह पे ये चला जाएगा एक्स की जगह पे डिफरेंस तुम देख के बोल पाओगे डिस्क को पता चलेगा डिफरेंस डिफरेंस अगर पता नहीं चलेगा मतलब दोनों क्या है मतलब सिमेट्रिक दोनों सेम ठीक है। तो ये सबको बता रहा सिमेट्री सिर्फ ऐसे एक्स एंड वाई के लिए नहीं होता ठीक है सिमेट्री ऐसे इसलिए मैं इतना वो आंख बंद करना ये सब ये क्यों बोल रहा हूं ताकि मतलब थोड़ा डिटेल्स में समझो वर्ड्स में लिखना हमेशा इजी होता है यू नो भावनाएं फील करना इंपॉर्टेंट है ठीक है फिलोसफी ठीक है। तो मेन चीज है अंडरस्टैंड इन अदर वर्ड्स देख और एक सिंपल आईडी से बोल सकते बोलो तो क्या अरे सर ये दोनों एक्सिस ही डायमीटर एक्सिस है एक डिस्क के लिए एक सर्कल की ये डायमीटर कोई डायमीटर डिफरेंट थोड़ी होता है सब डायमीटर सेम है यार तो किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेम कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 सभी सिमेट्री। तो सेकंड पार्ट हमको आईपीपी प्राइम पूछा है ना मैं बैक टू दिस क्वेश्चन सेकंड पार्ट कैसे करोगे कुछ लोग किए होगे तो लोग बोलेंगे सर एक्सएस प्राइम बाहर करते पार ना एट सेंटर मास आमी सेंटर मास से थ्रू दिए पीपी प्राइम के पैरेलल एक एक्सिस लेते हैं पीपी प्राइम के एक्सिस है टेंजेंट इसी प्लेन में मैं इसके पैरेलल एक एक्सिस लेता हूं ये मेरा हुआ सीएम एक्सिस सीएम एक्सिस पैरेलल टू पीपी प्राइम इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा आर माने सेंटर एंड टेंजेंट समझ में आया ना तो मैं बोलूंगा सर आईपीपी प्राइम के बार करब इस बार हम लोग सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम IPP prime will be equals to ICM formula था ICM ICM मतलब कौन सा जो parallel है plus total mass into d d मतलब ये वाला perpendicular तो यहाँ पे क्या आ गया mr square
आई से ऑलरेडी पता तुमको एमआर स्क्वायर बाई 4, गलती से एमआर स्क्वायर बाई 2 मत ले लेना, वो मत ले लेना, वो आई वो भी आईसीएम है बट वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमको चाहिए क्या पैरेलल एक्सिस, तो ध्यान रखना कौन सा वैल्यू यूज कर, एमआर स्क्वायर बाई 4 प्लस एमआर स्क्वायर 5 बाई 4, सिली क्लियर आएगा सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको भी जो भी डाउट है पूछ लो, तो पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऐसे अप्लाई कर, ठीक है, तो नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दिस, तो ये सबसे रूडिमेंटरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलते हैं स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना मास है, साइड लेंथ है, हमें रेक्टेंगुलर लैमिनेट फॉर्मूला ऑलरेडी दी थी, ठीक है, तो वहां पे लेंथ एंड ब्रेथ था दोनों को इक्वल करके स्क्वायर लैमिनेट का भी फॉर्मूला निकल ही जाएगा तुम लोग को, तो मतलब कुछ एक पता होना चाहिए पहले से, सिंपल बात, तो तुमको लेट से वो आईसीएम पता है, वहां क्वेश्चन ये है फॉलो, लैमिना एक बार देख लो, लैमिना है वह देख लीजिए सुनो, सेंटर एक्स एंड वाई एक्सिस तो होता ही अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तुमको बोला है ये एक एक्सिस है विच इज नॉट द डायगनल एक्सिस, देयर इज एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर ऑफ मास, बट इट इज नॉट अ डायगनल एक्सिस, एंड ये वर्टिकल से लेट्स से थीटा एंगल पे, दिस थीटा इज गिवन, अब पूछा है इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको क्या बोलते हैं पीपी प्राइम बोलते हैं, आई पीपी प्राइम निकालो, तुमको क्वेश्चन में मैंने डेटा में क्या पता है मास एंड लेंथ एंड पता है, और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है, एल इक्वल्स टू बी कर लेना, तो तुमको ये एक्सिस के अबाउट पता है, लेकिन तुम्हारा एक्सिस कैसा है, इट इज इन द प्लेन लेकिन ऐसा ऐसा सॉरी इस तरह से कुछ, नॉट अ डायगोनल थोड़ा टिल्टेड, लेकिन उसी प्लेन में उस एक्सिस के अबाउट, तो लॉजिक लगाओ ट्राई करो, हाँ बाजी तो रुचि जिस कॉलेज में जाएगी ना आजकल फिलहाल सीनियर्स तो हमको पता ही होते हैं, हम बोलेंगे इसका अच्छे से रहेंगे, हाँ चल रहा नहीं यार रैगिंग में तो मजा आता है ना, मैं तो अच्छे से रैगिंग दे पाएगी हमको लग रहा है, अब वो जमाना क्या पापा लोग का जमाना, ओ बाबा बेल्ट दिए मार तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है अच्छा अभी क्या होता है यहाँ पे m l m by 12 l square plus b square था तो लगा लेना, इसके वर्ड क्या है m by 12 l square plus h square 12 square तो ml square by 6, तो ये आपको पहले से पता है, you already know this beforehand, तुमको निकालना इसके वर्ड, तो क्या लॉजिक, हम बोलते हैं सर फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ, बट एज आई सेड अर्लियर दिस थ्योरम इज ऑलवेज यूज्ड इन कंजंक्शन विद सिमेट्री, तो देखो मैं बोलता सर इसके 90 डिग्री पे लो, इस एक्सिस के 90 डिग्री पे एक्सिस लो, तो भाई ये डायगनल के 90 डिग्री पे ये डायगनल होता, ठीक है ना, तो अगर इससे 90 डिग्री पे लेते हो तो तुमको कुछ ऐसा मिलेगा, बात समझ में आ रही है, ये दोनों क्या है 90 पे, ये पीपी प्राइम इसको मैं बोलता क्यू क्यू प्राइम, ठीक है समझ में आया क्या क्या, दीज आर टू एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ लैमिना, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या बोला जाता है दो एक्सिस सही जो प्लेन ऑफ लैमिना में, तो यहाँ पे इस सब पीपी प्राइम ना बोल के इसको सपोज एक्स बोले इसको वाई बोले, ठीक है, तो आई एक्स एंड आई वाई तो प्लेन ऑफ लैमिना में आ रहे, तो आई एक्स प्लस आई वाई कर सकते हैं इक्वल्स टू आई जेड लगा ही सकते हैं हम लोग, यहाँ पे IZ के नाम पे ये ICM, ये IZ ही ICM बन गया, तो ये हो गया ML square by 6, ठीक है, और यहाँ पे IX ही वो IPP prime है और IQ ही I, IQQ prime, ठीक है, ओके, now once again, पिछले बार की तरह, एक square को, इस center के बड़ा 90 degree घुमा दो, square ही रहता है,
इसको अगर मैं 90 डिग्री बस घुमा दूं, स्क्वायर ही तो रहेगा। आप डिफरेंस बोल पाओगे? नहीं, रेक्टेंगल में बोल पाओ। पहले रेक्टेंगल ऐसा है, 90 डिग्री घुमा दो, ऑब्वियसली आप डिफरेंस बोल पाओ। दिस इज इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब ये स्क्वायर वाला, लेकिन दिस इज डिस्टिंग्विशेबल। अगर इस तरह का एक्सिस अभी फॉलो करो, कॉन्ट्रास्ट कर दिखा दो। सपोज रेक्टेंगल है, क्यों बोला सर हमें एक एक्सिस नहीं ला, हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं ला। जब तुम रोटेट करोगे तो हम डिफरेंस बोल पाओगे। यू कैन सी द डिफरेंस ना, स्ट्रक्चर ही तो घूम गया। तुम बोल पाओगे यार सर एक्सिस बिल्कुल घूमे पक्का, ठीक है यहाँ पे कुछ वाओ होली मदर ऑफ गॉड ऐसा कुछ आपको डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर घूम चुका है। यहाँ पे वंस यू रोटेटेड बाय 90 डिग्री, क्यू क्यू प्राइम पी पी प्राइम मिल जाएगा, उसमें पी पी प्राइम क्यू क्यू प्राइम की जगह पे, लेकिन तुमको डिफरेंस पता चलेगा एज अ थर्ड पर्सन। अगर एक्सेस ड्रॉ नहीं किया होता, कलर्ड नहीं होता, तुमको डिफरेंस पता चलता एकदम नहीं। वो लैमिना को पता चलता एकदम नहीं। तो स्क्वायर लैमिना खुद में कोई डिफरेंस नहीं बोल पा रहा, तो मतलब दोनों एक्सेस क्या है, इक्विवेलेंट है, सिमेट्रिक है। तो वंस अगेन तुम बोलोगे कि सर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम सिमेट्रिक, ठीक है। ताले इस बार दोनों वंस अगेन सेम, तो 2 IPP प्राइम इक्वल्स टू ML स्क्वायर बाय 6। तो IPP प्राइम आपका आ जाएगा एज यूजुअल ML स्क्वायर बाय 12, ठीक है। सिमेट्री हुआ, क्लियर है ना? कन्विंस होने का, ऐसा नहीं कि सर बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, शायद मान लेते हैं। वो विजुअलाइज करो, वो आंख बंद करने वाला एग्जांपल उस तरह सोचो, ठीक है। एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल देता हूँ, एक डिस्क और इसके बीच में कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल। डिस्क में भी देखे थे हम लोग 90 डिग्री घुमाने के बाद कोई डिफरेंस बोल नहीं पाओगे। अगर डिस्क की तरफ नीचे देख लूं, ये एक्सिस और ये एक्सिस सिमेट्रिक है, यहां पे नहीं होगा। यहां पे ये एक्सिस, अगर मैं वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस लेता, ये दोनों सिमेट्रिक है नहीं। ऑब्वियसली तुम अगर 30 डिग्री से रोटेट की, तुम तो डिफरेंस बोल पाओगे, सिस्टम ही घूम जाएगा। यू कैन सी, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस सिमेट्रिक नहीं, एकदम नहीं। ये और 90 वाला ही सिमेट्रिक है, ओनली दीज टू आर सिमेट्रिक, और कोई नहीं, ठीक है। क्या क्या सिमेट्रिक के लिए क्या बोले? नॉट नेसेसरली, हमें बोलो शेपर ऊपर डिपेंड करो, ठीक है। इन्होंने नहीं नहीं रेक्टेंगल नहीं, मैं बता रही हूँ। बोले किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर सिमेट्रिक होने के लिए तब क्या 90 डिग्री ही होना पड़ेगा? नहीं, सर्कल में क्या हो रहा था, हर एक्सिस सिमेट्रिक हो जा रहा था, डायमीटर एक्सिस, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, टेक अ हेक्सागन, एक ना सिमेट्रिक एक्सिस कतगुलो है सर? अनेकगुलो, छ टाइम नहीं पाबो, समझ रहा हो ना? क्लियर हुआ जिसने भी डाउट पूछा, ठीक है। तो वहां पे 90 डिग्री में तो जरूरी नहीं है, मतलब मेन चीज है कि तुम समझ रहे हो ना कि जो भी एंगल है उस एंगल से रोटेट करके सिस्टम को देखो। इफ यू नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, मतलब दोनों सिमेट्रिक है, क्लियर है बात, ठीक। हाँ कौन बोल, क्यों कौन राजनी? नहीं वो मैं सिर्फ, मैंने ये जिस बुक में था मैंने भी तो बुक्स में ही देखा ना, इस खुद से थोड़ी बनाया, ठीक है। तो उस मतलब वही बात है कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी थीटा वैसे दिया रहता है और अच्छा वैल्यू दे देता है 37 डिग्री, तो लगता है ऐसा ऐसा 3-4-5 आंसर पे घंटा आंसर किसी याद में 3-4-5, ठीक है, ऐसे ही दिया, ठीक है, मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यही बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पे वो थीटा का कोई काम नहीं, ठीक है। तो ये अगेन वो परपेंडिकुलर एक्सिस, अच्छा हाँ इसका जो वेरिएशन होता था, मैं पहले सोचा कि इसका वेरिएशन देता हूँ, लेकिन फिर सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम था ना, एक्चुअल प्रॉब्लम ऐसा था, मैंने स्टेप बाय स्टेप को तोड़ा है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये था, स्क्वायर लैमिना था, यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ था जो बोला हुआ था इससे थीटा पे, इसको मैं डेल्टा करता हूँ। तुमको तब समझ में आ रहा, तुमको क्या करना है, इसके एक्सेस इसके पैरल कोई तो कोई एक्सेस होगा, और ये 45 नहीं था बेसिकली, कुछ डिफरेंट एंगल था, ठीक है। लेट्स से ये तुम्हारा 60 है, मतलब वर्टिकल से 30 पे, तो मतलब इसके पैरल कोई तो एक्सेस होगा जो सेंटर मास से पास करेगा। ओ बाबा मुझे नहीं, मतलब ये एक्सिस के बोर्ड पूछा था तुमको, तुम पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते, लेकिन फिर इसके बोर्ड तुमको अलग से कैलकुलेट करने के लिए पहले परपेंडिकुलर लगाना पड़ता। आप समझ में आ रहा ना ट्रेंड सबको? जो एटर बोर्ड जिज्ञासा करे प्रथम परपेंडिकुलर लगे एटर बोर्ड बार करते हैं, तारपर एकाने ML स्क्वायर किछु एकटा करते हैं, ठीक है। MD स्क्वायर ओई पैरेलल एक्सिस थ्योरम,
अब पैरल में ऐसा नहीं कि डायगनल का हाफ, वो डायगनल का हाफ लो ना, मैंने ये ज्योमेट्री ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है चलो एक काम करते ले ही लेते, ठीक है वैल्यू दे देते, वो डायगनल हाफ का बना क्योंकि परपेंडिकुलर, रुक जा मैं थोड़ा अच्छे से करता हूँ। हाँ मतलब एक्चुअली सोचने से क्लियर हो जाता है, सडनली लगता है कि हाफ ले ले, लेकिन ना तुझे भालू वाला ड्रॉ पड़ी एक टू जरा ऐसे समझाने के लिए एड ऑन। लेट्स से ये एक एक्सेस है, ये सी एम एक्सेस है, और एक एक्सेस है थ्रू दैट लाइक कॉर्नर इसके पैरेलल पीपी प्राइम, हाँ कुछ कुछ भी एक, ठीक है ये निकालना, ये लेट्स से आई नॉट, आई नॉट निकालना, तो आई नॉट को आप लिख सकते हो सर, आई नॉट कुड बी रिटन एज ICM plus MD square। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ ICM तो आपका होगा यहाँ पे ML square by 12, लेकिन D जो होगा, be careful, D won't be just half the diagonal, वो मत कर ले, ठीक है? D is a perpendicular distance between the two axes, तो actually diagonal नहीं ले, तो axes बोलो actually मतलब ये किसके, ये diagonal किसके perpendicular, तो angle which is 45 degree पे जो, उसके perpendicular होगा actually, तो ना रे बात यहाँ पे डायगनल वोंट नेसेसरी बी परपेंडिकुलर टू दिस, वो वहां पे डिफरेंट एंगल चला है, तो तुमको एक्चुअली ज्योमेट्री एकदम डिटेल्स में अप्लाई करना पड़ेगा, ये कहीं और पे आएगा, समझ रहे हो बात? ठीक है तो ऐसा नहीं कि वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो तुमका अगर एंगल, तुमका एंगल कुछ दिया रहेगा, एंगल डब्स में यहाँ पे ट्राइंगल करके आप कर सकते, ठीक है तो थोड़ा ज्योमेट्री लगना पड़ेगा क्लास 10 लेवल का, लेकिन मेन चीज है दिस वोंट बी हाफ द डायगनल, ठीक है वो आपको ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा, ठीक है ओके। तो क्या हाँ इसलिए बोलो अच्छे से वैल्यू कुछ देंगे, डोंट वरी इस प्रॉब्लम में अच्छे से वैल्यू देके रखेंगे, मैंने ये थीटा फिर एक जो दावा थक बे जार टर्म से डीटा किंतु ठीक बेरी है अभी निश्चय ना, ठीक है तो इन आइडिया क्लियर है ना क्या करना है, बी केयरफुल कि हाफ द डायगनल मत लेना हर बारी, ठीक है ये एक्चुअली बेस्ट समझा पाता ना अगर एक्सिस को बहुत ज्यादा वर्टिकल के पास रखते हैं, एमनी ड्रॉप पर खूब आलोड़ तो बुझते वर्गे सर परपेंडिकुलर टा किंतु डायगनल इक्वल होते हैं, डायगनल टा आला था जीनिस परपेंडिकुलर आला था जीनिस, समझ में आ रहा है ना, ठीक है एकदम अलग चीज, ठीक है यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 के आसपास लग रहा है कि शायद वही ऐसा कुछ हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के ज्योमेट्री लगा के आप कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है तो एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा था, तो घूम फिर समझ में आ रहा है पैरल परपेंडिकुलर ये सब यूज करना है आपको, ठीक है ठीक है एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कॉमनली अभी आजकल आता है एडिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ये सब मिला के, एक है मैक्स मिनिमम डेटा, अच्छा फिर एक लास्ट में इंटीग्रेशन लिस्ट है, ओ भाई चलो टाइम है काफी टाइम, ये हो गया आगे बढ़े फिर जब बाकी होगा ऑनलाइन में कुछ भी तो बोल लेना, मतलब आइडिया जान लो कि कैसे ऐड करना पड़ता है, ठीक तो नेक्स्ट जो प्रॉपर प्रॉब्लम है वो ये लेते हैं, इस पैटर्न का आपको मतलब ये वो बोला था करंट स्टेट में सीरीज पैरेलल रहता करने में मजा आता है उस तरह का प्रॉब्लम, ठीक है मैं सिंपल सेटअप है आपको बस ऐड ऐड करना मजा आता है, आपको तीन डिस्क दिया हुआ है, ठीक है Each disc का मास है और रेडियस आर, ईच डिस्क हाँ तो बहुत कॉमन है, मतलब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था, अच्छा वो एक डिफरेंट होगा तो ऐसे करके होगा कि रेस्ट पे है तो नॉर्मल कर, वो अलग होगा फिगर ऐसा नहीं, जो भी है यहाँ पे डिस्क है एक्सिस ये वाला है, तीनों समझ रहे हो कैसे कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड मतलब दे आर लाइक दे आर टचिंग ईच अदर, ऑल थ्री डिस्क आर टचिंग ईच अदर, मतलब तीनों का सेंटर लोगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, सर बेसिक ज्योमेट्री समझ में आ रहा है ना, तो द थ्री डिस्क दे आर टचिंग ईच अदर, तीन कांटेक्ट पॉइंट्स है तीनों जगह टच कर, ये एक्सिस है एक्सिस प्राइम, निकालो आई एक्सिस प्राइम ऑफ द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है तो एडिटिव प्रॉपर्टी पैरेलल परपेंडिकुलर सब कुछ लगा सकते हो सब, हाँ आप करो आप ट्राई करो सब, कुछ रिकॉर्डिंग में नहीं है।
मैं एक बार बोल देता हूँ क्या केजुअल प्रॉपर्टी है। तो पहला है एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीपल बॉडीज है, हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स प्राइम, सेम एक्सिस के अबाउट निकालना है, ऐड करना। रेडीमेड फॉर्मूला जो हमको याद रखना है वो बोला है, कोने में लिखा है बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इन द सेम प्लेन इट इज एमआर स्क्वायर बाय 4। तो वो याद रख के आपको अब निकालना। तो ए के लिए तो एमआर स्क्वायर बाय 4 है, लेकिन बी एंड सी के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी एंड सी का सेंटर मास एक्सिस साइड में है लेकिन हमको चाहिए अबाउट एक्स एक्स प्राइम। ठीक है, फिर वो जो वैल्यू निकलेगा अब उन तीनों को ऐड करना, तब जाके फाइनली हमको आंसर मिलेगा। क्लियर हुआ? कहीं भी किसी को कुछ डाउट है क्लैरिफाई। ऑनलाइन में बोल रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये प्रॉब्लम कॉमनली आता, बोलते हैं कि सपोज कोई बॉडी है, अद्भुत भूलल बॉडी, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, 2D 3D कुछ भी एक बॉडी है, ठीक है उससे मतलब नहीं, लेकिन x एक्सिस है, यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है और फिर डिफरेंट डिफरेंट x कोऑर्डिनेट्स, इधर नेगेटिव x उधर पॉजिटिव x। आपको बोला हुआ है इफ आई टेक डिफरेंट x एक्सिस डिफरेंट एक्सिस, ठीक है, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस x एक्सिस, ठीक है, कुछ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छे से पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, बोलने का ये चाह लो कि इस एक्सिस के पैरेलल अगर मैं कोई भी एक्सिस लूं, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सिस लेता हूं, सब में डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्या है जहां से वो पर्टिकुलर एक्सिस पास कर। ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन लेट्स आपको दिया हुआ, मुझे अब वो फंक्शन याद नहीं, फंक्शन याद रहेगा या तो अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे। चले पॉसिबल नहीं है तो या इट वाज अ क्वाड्रेटिक, लेकिन मनगढ़ंत तो देने से नहीं होगा, सोच समझ के देना पड़ेगा। I am going to take my own sweet time. we could go for कुछ भी रहते क्या बोलते x square standard quadratic करना है ना, roots लेके कर देते क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 ये कर देते हैं 3 और 4 वाला। ठीक, तो ऐसा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दीज एक्सिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स लाइक दिस। ठीक, अच्छा बॉडी को जो मैंने दिखाया वो मैं ऐसे ही दिखाया हूँ, मैंने एक्स इक्वल्स टू 0 जो है ओरिजिन है वो कहीं भी हो सकता है, ये मैं जनरल लोकेशन में ऐसे दिखा दी, मैं बस ये मेनली बोलना चाह रहा हूँ कि बॉडी के थ्रू एक एक्स एक्सिस लिया गया है एंड वी हैव डिफरेंट एक्सिस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, उन सबके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो एक फंक्शन ऑफ एक्स ही आए। ठीक है, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस में कहीं से पास कर वो है एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो मैं x बोल रहा हूँ ये x कौन सा है, द कोऑर्डिनेट एट विच दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू। ठीक है ना, उसके ऊपर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर। ठीक, ओके, तो बॉडी का शेप कहां पे है वो सब कुछ बोला नहीं है, बस ऐसे ही बोला हुआ डेटा में। अब वो जो फाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड xcm, xcm ऑफ बॉडी, बॉडी का सेंटर मास का कोऑर्डिनेट निकालो, ये कॉमन टाइप प्रॉब्लम है। रुको, तो मेरे पास बुक है, रुक जाओ स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स है, लेकिन
बस देख लेता हूँ, डेटा दिया रहा है नहीं है तो वैसे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम से जो भी है, मतलब ऐसे कुछ रहता है तो यहाँ पे मेन आइडिया बता देता हूँ बस मेरी, ये कॉमन टाइप है। हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या मतलब? हाँ रूट साइड का फिर क्या मतलब? वो सब कुछ करना। हाँ आर बोलिए। मैं तू करना क्या चाह रही है बता, तू करना क्या चाह रही है? अरे मैं कोड से देख के चाहिए चाहे। এটা x equals to 0 about moment of inertia বার করতে হবে। নেনি বলো বলো শুনে। x equals to 0 কে লেফট সাইড মানে এক গ্রুপ তো নেগেটিভ सपोज एक रूट यहाँ पे है एक रूट यहाँ पे है, तो बॉडी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस बोल रहे हो, फ्रॉम दिस पॉइंट रूट क्या कैसे बनेगी, मतलब क्या कंक्लूजन आया कैसे बनाई है कैसे? ठीक, इसमें जनरल आइडिया क्या रहता है, एक ही आइडिया रहता है, ये कॉमन टाइप है इसलिए बता दे रहे हैं। ये जितने सारे एक्सेस है जिसके लिए फंक्शन दिया गया है सब पैरल एक्सेस है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आई जो है इज एक्चुअली आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, पैरालैक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब लॉजिक ये देता है, सुनो अच्छे से, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर इफ यू टेक डिफरेंट एक्सिस, मतलब अगर तुम्हारा एक्सिस चेंज हुआ, एक्सिस चेंजेस जैसे जैसे अपना एक्सिस चेंज करोगे क्या बदलेगा? एम डी स्क्वायर बदलेगा। आईसीएम तो एक फिक्स वैल्यू है ना, एक बॉडी का आईसीएम तो फिक्स होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस लेते हो आपका डी बदलते रहेगा, लेकिन आईसीएम तो फिक्स है ना। सो एक्चुअली व्हाट डज इट मीन इज दिस कि एज एक्सिस चेंजेस एम डी स्क्वायर चेंजेस। ठीक है, देयरफॉर आई का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो आईसीएम ही होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मिनिमम वैल्यू होता है इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एक्सिस, मतलब एक बॉडी का कोई भी एक बॉडी का सेंटर मास एक्सिस के थ्रू जो वैल्यू होगा वो सबसे मिनिमम होगा, कोई और एक्सिस के बॉर्डर उससे ज्यादा ही होगा। दैट इज लॉजिकल क्योंकि इसके साथ तुम कुछ ऐड कर दे रहे हो एंड दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ना। आईसीएम एक फिक्स्ड वैल्यू, लेट्स से 20, कोई दूसरा एक्सिस ले रहे हो, कोई भी दूसरा एक्सिस लेफ्ट राइट पैरल में, उसके साथ हमेशा तो ऐड होगा ना एम डी स्क्वायर, मतलब बाकी हर एक्सिस का बॉर्डर ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस का बॉर्डर मिलता है? सेंटर मास के बॉर्डर। बस यहां से लोग बोलते हैं कि सर आपको आई एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसका मिनिमम निकालो ना, एक फंक्शन का मिनिमम कैसे निकलता है याद है ना, मैक्स का मिनिमम। ठीक है, आई एक्स इज मिनिमम अबाउट सी एम, सी एम एक्सिस। मैं आता हूं, मैं उस पर आता हूं, मैं खुद समझ लेता हूं पहले कि तू क्या बोलना चाह रही है। मैं पहले ये समझा लू कि मैं नहीं रिपीट करूंगा। ठीक है, ओके, तो अगर मैं समझ गया कि भाई ये जो आई का वैल्यू है एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्सीएम जो भी होगा मुझे पता नहीं बॉडी का सेंटर मास कहां पे, लेट्स से बॉडी का सेंटर मास यहां पे, ये एक्सीएम। तो व्हाट डज दिस थ्योरी जो भी हम लोग यहां पे डिस्कस किए क्या बोलता है, अगर इसके थ्रू एक पैरेलल एक्सिस लेते हो तो ये क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। आउट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल वैल्यूज, आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगा?
सेंटर मास क्या हो, और मिनिमम कैसे निकालते हैं, डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दो, सो आप डेरिवेटिव करके जीरो कर, तो डेरिवेटिव में वो पता ही है क्या आएगा, टू एक्स प्लस वन राइट इक्वल टू जीरो, राइट, तो एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, मतलब बॉडी का सेंटर मास कहाँ पे, माइनस हाफ मीटर्स पे, मतलब चाहिए ना बोलो डायग्राम टा आर्बिट्ररी, मतलब ऐसा नहीं कि जीरो ओरिजिन बाहर में, ऐसा नहीं, तो बॉडी का सेंटर मास एक्चुअली माइनस हाफ पे, ठीक है, क्लियर हुआ, तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा था, एक सेम पूछा, तो सोचो सेंटर मास का लोकेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव बीन गिवन अ फंक्शन, ठीक है, छोड़ो, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो एक्सएम का वैल्यू आया माइनस 0.5 मीटर्स विद रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में ही आ रहा है, क्लियर है, तो इसको एक थंब रूल भी बना सकते हो इसके बाद से, किसी भी बॉडी का मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अपॉन होता है, सेंटर मास एक्सिस के अपॉन, कोई दूसरा एक्सिस ले लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कमेगा नहीं, ठीक है, ओके, तो कॉमन प्रॉब्लम है खत्म। हाँ अगर तुमको आईसीएम बोलते हैं तो क्या करते हैं, फिर इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, मतलब तुमको इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो सकता है कि फाइंड आईसीएम, तो अब एक्सएम मिल गया तो एक्सएम का वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट करो, आईसीएम मिलेगा, ठीक है, क्लियर, तो बस यही बात है, तो एक्चुअली क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में मतलब क्या, इधर मैक्स मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, अब मैं वैसे फंक्शन सोच रहा था कि मिनिमम आया मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ भूलभाल ना आ जाए, ठीक है, चाप के जो चल, मैंने कोई भी एक फंक्शन नहीं है तो इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, एक थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, ये लास्ट लेट हुआ था कॉपी, एक थ्योरी क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर में, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड पूछते हैं, कोई भी बॉडी है इस बार, वंस अगेन ऐसी बॉडी दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं सोचने का, ठीक है, ऐसी एक बॉडी है, पूछते हैं कि व्हाट इज द लोकस, लोकस मतलब पता है ना पाथ, व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स अबाउट विच आई इज सेम, ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेट्स से ये एक बॉडी है, ये एक लैमिना है, चलो लैमिना पकड़ लेते, ठीक है, एक लैमिना, इट इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, इरेगुलर, ठीक है, तुमको पूछा है कि तुम्हें बहुत सारे एक्सेस दिए भी कर सकते हो, लॉट ऑफ एक्सेस, जितने सारे एक्सेस है सब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एक्सेस कैसा है कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, बहुत सारा स्पेस में कहीं नहीं ले सकते, क्वेश्चन पूछा कि एक नहीं तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सेस होंगे जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली सेम आए, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे एक्सेस होंगे जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, वो जितने सारे एक्सेस है ना उन एक्सेस वो तो इस प्लेन से कहीं ना कहीं कट करेंगे, मतलब सपोज एक एक्सेस यहां से गुजर रहा है दूसरा एक्सेस यहां से गुजर रहा है, इट्स कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन बट बहुत सारे पॉइंट से निकलेंगे, उस तरह के बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे उनका लोकस क्या, समझ आया बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आई हैव अ लैमिना इन माय स्क्रीन, लेट से इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया, इसके अबाउट भी सेम, इसके अबाउट भी सेम, इन तीनों में ये पॉइंट्स क्या है, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द एक्सेस कट्स द स्क्रीन, एक्सेस मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तुम्हारी तरफ बाहर निकल के आ रहा है, तो इन तीनों पॉइंट्स का लोकस क्या होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स तुमको मिल गए, तो मैंने डायग्राम में गलत दिखाया, डायग्राम में देख के लग रहा है लोकस स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन लॉजिकली तुमको निकालना है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है, क्या होगा, क्या लॉजिक देंगे, कैसे, एग्जैक्टली हम बोलेंगे सर यहाँ पे सपोज कहीं भी सेंटर मास है, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस हुआ तो वो तो हो गया आईसीएम, लेकिन किसी और एक्सिस के अबाउट इज आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आईसीएम इज अ कॉन्स्टेंट, इट्स समथिंग लाइक के प्लस सम एम डी स्क्वायर, ठीक है, एम डी स्क्वायर डियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर एक एक्सिस यहां पे लेते हो इससे इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी है, टॉप व्यू देख रहा, समझ रहा हूं ना, दोनों एक्सिस बाहर निकल, अगर यहां पे एक्सिस लेते हो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, यहां पे एक्सिस लेते हो
इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, मतलब ये तीनों एक्सिस का बोर्ड क्या आएगा, सेम फॉर्मूला तो हर बार सेम होगा ना, तो ऐसे अगर मल्टीपल पॉइंट्स लो तो सबका लोकस क्या आएगा, सर्कल। तो एक नहीं दो नहीं, देयर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स जिसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का सेम है। एंड इस पूरे डिस्कशन में डिड यू हैव टू कंसीडर द नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब रेगुलर है या इरेगुलर, मैटर नहीं किया, मतलब कोई भी शिफ्ट के लिए पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है ना। तो लोकस का आंसर सर्कुलर, मैं आपको लिख नहीं रहा हूं, तो लोकस क्या है, सर्कुलर, सर्कल किसके अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास के अबाउट एक सर्कल बनेगा, क्लियर, विथ डी एज द रेडियस एंड सेंटर मास एज द सेंटर। एक थियोरेटिकल लाइक क्वेश्चन दिमाग में आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन which utilizes all this plus a little bit of integration. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान दे दी, बस प्योर रोलिंग दे दी, प्रॉब्लम सम चलेंगे है मेरे ख्याल से, और भी कुछ दिन लेना पड़ेगा, थ्योरी आगे बढ़ते रहेंगे। सबको एडवाइस है कि ऐसा नहीं कि ये चैप्टर का शेष कोड़े कोड़े ना वो इसी और के अरोरा थे के सब जाते आगे शेष कोड़े उतार पर नेक्स्ट चैप्टर जाओ, ऐसा मत करना, पैरेलली आगे बढ़ते रहो चैप्टर्स के साथ, लेकिन पुराने टॉपिक्स रिवाइज करते रहो, ठीक है, स्लाइड चेंज करते रहो, न्यू प्रॉब्लम, ठीक है, मोस्ट प्रोबब्ली द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे। बोलते ही हैं क्या हुआ, सॉलिड सिलेंडर, अल्टीमेटली अब सिलेंडर है आपके पास, रेडियस आर, ये लेंथ एल, ठीक है, एक्सिस जो है सेंटर से पास कर लाइक दिस, समझ में आ रहा है कैसा एक्स एक्स प्राइम, ये मतलब अगर यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते ना वो सर्कल का डायमीटर होता, क्रॉस सेक्शन का डायमीटर होता, ओ माय गॉडनेस, क्रॉस सेक्शन का डायमीटर होता, समझ में आ रहा है, तो ये बस सॉलिड सिलेंडर पूरा फिल्ड अप है, लेट से मास एम है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट्स नॉट हॉलो, मास एम है, टोटल मास, रेडियस आर, ये रेडियस आर एंड टोटल लेंथ एल, सेंटर ऑफ सेंटर मास यही पे होगा, सेंटर मास के थ्रू एक एक्सिस पास कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, ओके, आई एक्सिस प्राइम निकाल, हमने जो फॉर्मूला दिया है वो है इसके लिए, अगर ये एक्सिस रहता तो होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क का जो होता है सिलेंडर का सेम होता, अगर एक्सिस ऐसे रहा, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ, तुमको दिया हुआ है इस तरह से, एंड तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहां पे फटाक से नहीं लगा सकते क्योंकि थ्री डी बॉडी, इट्स नॉट अ लैमिना इन इटसेल्फ, एक सिंपल थिन डिस्क रहता है लैमिना तुम लगा लेते सर दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, लेकिन ये अकेले खुद लैमिना नहीं है, इट्स अ थ्री डी बॉडी, तो यहाँ पे हमको थोड़ा इंटीग्रेशन भी लाना पड़ेगा, इसलिए प्रॉब्लम लेना, मतलब सब कुछ कंबाइन करके हो जाएगा, क्लियर है सेटअप, दिखा देते हैं, कॉपी कर देते हैं, पंखा एक पे चले चार पे चले एक ही बात, नहीं चार पे चल रही है, नहीं नहीं अरे ठंड नहीं गर्मी लग रहा है, वही बोला बढ़ाना पड़ेगा, बात तो सही हो गया, कॉपी कर लो, आगे बढ़े बढ़ते हैं, हम बोलते सर सबसे पहले इसके लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला है नहीं, हमको नहीं पता, हमको इस एक्सिस के बाद पता है लेकिन लिख के फायदा नहीं है, जो मैंने बोला वी कैन नॉट अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो पहला आइडिया होता है एलिमेंट्स, ब्रेक द सिलेंडर इनटू एलिमेंट्री डिस्क, ठीक है, मैं फ्रेजेस लिख रहा हूं, तुम क्या समझना, मैंने ब्रेक द सिलेंडर इनटू एलिमेंट्री डिस्क, अरे आपकी मर्जी, तो कुछ ऐसा, मतलब यू आर चॉपिंग इट अप, समझ आ रहा ना, यू चॉपिंग इट अप इनटू पीसेस, कंसिडर एनी वन पीस,
ये कोई एक पीस है, दिखाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं। दिस वन पीस, लेट से ये यहां से, अच्छा यहीं पे ओरिजिन है, इसको ओरिजिन ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डिस्टेंस पे ये एलिमेंट्री डिस्क है। थिकनेस, थिकनेस के लिए क्या करते हैं, वही नोटेशंस पता ही है, इतने दिनों में क्या लिखेंगे, डीएक्स, ठीक है। उसका मास को डीएम लिखेंगे, अच्छा डीएम को लिख सकते हैं कैसे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों की तरफ, अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो यूनिटरी मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। या बेसिकली डेंसिटी, डेंसिटी कैन बी रिटन एज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एल, सिलेंडर ये तो पता ही है सब। सो डेंसिटी में आ गया टोटल मास बाय पाई आर स्क्वायर इनटू एल। डीवी, डीवी इज एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, ये डिस्क का, ये पतला सा डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया व्हिच इज पाई आर स्क्वायर इनटू इसका थिकनेस, इसका थिकनेस क्या है, डीएक्स। तो नोटिस करो डीएम का काफी सुंदर एक्सप्रेशन आ रहा है, एम डीएक्स बाई एल, इजी, नथिंग डिफिकल्ट। अब लोग बोलते सर जो एलिमेंट्री डिस्क है ये टू डी बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हो, द एलिमेंट्री डिस्क इज लाइक अ लैमिना, सो यू कैन अप्लाई पैरल एक्सिस थियोरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थियोरम लगा। तो हम बोलते सर चचा वो भाई यहीं पे ड्रॉ करूं, क्या बोलते हो, करते नहीं कर रहे हैं? आप लोग के लिए दिक्कत होगा, आप लोग अलग से कर लेना तब। जो ब्लू कलर का एक्सिस किया है, इट्स अ डायमीटर एक्सिस पासिंग थ्रू द डिस्क, एलिमेंट्री डिस्क। इस एक्सिस को मैं नाम देता हूं, क्या नाम, पीपी प्रे। तो सोचो ये अच्छे समझिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पीपी प्राइम, लेकिन किसका, डिस्क का, डिस्क तो एलिमेंट्री है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो छोटा है। ये जो मैं डी आई पीपी प्राइम बोल रहा हूं ये क्या है, एम आई ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्री डिस्क, डिस्क अबाउट पीपी प्राइम। अब ये वैल्यू कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला हमको पता है, कैसे, लास्ट प्रॉब्लम में ही देख रहे थे, हाँ वो एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये कब अप्लाई करता है, अगर एक्सिस उसके प्लेन में पास कर रहा है, डायमीटर एक्सिस है, तो जो एलिमेंट हमने लिया है ना ये वो पीपी प्राइम एक्सिस, उसका डायमीटर एक्सिस है ना, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो एम आर स्क्वायर बाई फोर, तो एम में लेकिन क्या लिखोगे, नॉट कैपिटल एम, डी एम, उसका आर आर तो सेम है, आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। ये क्लियर हो कहां से लिखे, हम लोग बस रेडीमेड फॉर्मूला उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो जो याद ना है तो जरा रिकॉल कर रहा, मैं लिख दे रहा हूं साइड में, यह पीपी प्राइम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। हम बोलते हैं सर द लास्ट पढ़ देखो, खत्म हो गया, जल्दी नहीं हो, तो ये लंबा प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट पार्ट हमको अल्टीमेटली किसके अबाउट निकालना है, एक्सिस प्राइम के अबाउट। अब मैं बोलूंगा सर इसके बाद इसी डिस्क का, डिस्क का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन अबाउट एक्स एक्स प्राइम, तो मैं उसको फिर से डी आई, ये डी समझाने का मतलब कि एलिमेंट कर ले रहे हैं, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इस डिस्क का अबाउट एक्स एक्स प्राइम। अब फायदा क्या है, पीपी प्राइम एंड एक्स एक्स प्राइम दोनों पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो एक्चुअली डी एक्स प्राइम विल बी डी आई सी एम, या किसी को मन के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये था आई सी एम प्लस एम टी स्क्वायर, लेकिन ये कॉपी मत कर लेना, सुनो अच्छे से, यहाँ पे आई सी एम कौन है, आई सी एम पीपी प्राइम है, वो तो सेंटर मास वाले डिस्क से पास कर रहा है, सो एक्चुअली आई सी एम आएगा डी आई पीपी प्राइम, एम की जगह पे आएगा डी एम, एंड इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है एक्स, सो डी स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर। ये मैंने क्या अप्लाई किया, ये मैंने अप्लाई किया I equals to IC plus MD square।
फिर मैंने अप्लाई किया फॉर द एलिमेंट्री डिस्क, ये क्लियर है कि नहीं देखो, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है, ओके। तो ये चीज का आदत आपको स्कूल लेवल पे डालना पड़ेगा कि जो थ्योरम से अप्लाई कर रहे हो दे नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ बॉडी इटसेल्फ, आप एलिमेंट्री मास भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो एलिमेंट्री डिस्क पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बी केयरफुल क्यों डीएम ले रहे हैं, क्यों डीआईपीपी प्राइम को डीआईसीएम बोल दे रहे हैं, एक्स कहां से आ गया, उसी फॉर्मूला को बस रेप्लिकेट किए सोच समझ के कि डी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आईसीएम क्या होता है, सेंटर मास एक्सिस के बराबर होता है, पैरेलल एक्सिस होना चाहिए, तो सोच समझ के अप्लाई करना एलिमेंट्री डिस्क पे, ठीक है। तो एक्स एक्स प्राइम के अबाउट एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, तो आई गेस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्यों, क्योंकि अच्छा अब चेंज करना पड़ेगा, सबका हो गया, किसी का बाकी तो बोलो, ये तो ऊपर वाला मिटा, ऊपर वाला मिटा, हाँ बोलता सर आपको अल्टीमेटली चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस प्राइम फॉर द होल सिलेंडर, तो आप बोला था सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेनी डिस्क, तो इट्स बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एक्स प्राइम, हर एक डिस्क का ये है, तो सबको ऐड करोगे अबाउट सेम एक्सेस, जितने डिस्क होंगे सबका एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, सबका एक्सेस प्राइम के अबाउट ही ऐड करेंगे, ऐड मतलब इंटीग्रेशन, सो इस पूरे टर्म का इंटीग्रेट करो ये चीज को, तो डी आई पी पी प्राइम मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस डी एम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कीजिए तो इजी है, पहले वाले इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर बाई फोर बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम दैट इज टोटल मास, सेकंड वाले में प्रॉब्लम है, सेकंड वाले में डीएम, डीएम एंड एक्स दोनों ही वेरिएबल है, तो डीएम को एक्सप्रेस करना पड़ेगा एम बाई एल डी एक्स, पहले ही किया था, सोच समझ के कॉपी कीजिएगा सर, कहीं पे लगा सर रिपीट करना है तो बोलो, सेकंड वाला पॉइंट मिटा दो भाई इस टाइम, किसी का पेंडिंग है, कौन सा डीएम इज एम बाई एल डी एक्स है, पिछली बार पुट नहीं किया क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, डीएम का इंटीग्रेशन आ रहा था, टोटल मास आ गया, लेकिन इस बार डीएम के साथ एक्स भी वेरिएबल है, सेकंड वाले फर्स्ट पॉइंट में डीएम को एम बाई एल डी एक्स निकाली थी ना, क्या हुआ, ठीक ना, क्लियर कर लेना सब लोग, सेकंड वाले इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स के लिमिट्स क्या होंगे, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, सेंटेंस में से कह रहा हूं ना, यहां पे लिमिट्स होंगे माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू, ठीक है, अब करो, सो एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स क्यूब बाई थ्री, तो आराम से लिमिट्स पुट कीजिएगा, हाँ डीएम के लिए एक्स जीरो टू है, उन्होंने बेटा पुट कर लो टोटल मास बेसिकली y x prime ये है के mr square by 4 plus holy mother of god ना cube है ना तो plus हो जाएगा फिर l cube by m by 3 l by 4 कोने कहना cost को l cube by 8 minus of minus l by 2 का cube तो plus हो जाएगा फिर एल क्यूब बाई एट, वाव एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, रॉड का डिस्क का कॉम्बिनेशन, ऐसा हर जगह मत कंबाइन कर देना, बस इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा, सो ये आंसर इज इंटरेस्टिंग, फाइनल जो आंसर आएगा वो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आ रहा है जो कि रॉड का होता है, एंड एम आर स्क्वायर बाई फोर आ रहा है जो कि डिस्क का होता है, दोनों का थोड़ा एडिशन,
ऐसा नहीं हो, ये स्पेशल केस है, इसको दिखाने के लिए किया, एक्सेप्शन। ऐसे कुछ नहीं कि आ जाता है। इंटरेस्टिंग लगता है कि रॉड का भी फॉर्मूला आया और ये भी आया, पर रॉड की तरह भी देखने में है। हाँ, डायरेक्टली आईडी यूज कर सकते हो, एमआर स्क्वायर बाई टू प्लस एमएल स्क्वायर बाई 12 आना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं होता तो नहीं आता, अब तो नहीं आता ऑब्वियस बात। तब मतलब मेथड यही करना पड़ेगा, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करवाना क्या? हाँ करना पड़ेगा उसके। तो वही ये मत लगाने जाना डायरेक्टली आंसर, मतलब आंसर सिंपल आता बहुत इंटरेस्टिंग आता ये, लेकिन पूरा प्रोसेस है।